नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हम प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण पढ़ चुके हैं, आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, कांच की प्लेट से या पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, किसी छड़ का जल में टेढ़ा दिखाई देना, ये सब उदाहरण हमने डाले हैं। मैंने आपको प्लान बता रखा है कि मैं टॉपिक कराता जाऊंगा और उसी के साथ साथ उससे संबंधित न्यूमेरिकल डालता जाऊंगा, फिर अगला टॉपिक लेता जाऊंगा। तो सब अपवर्तन के उदाहरण में पहले तो मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल डाल लूं, फिर अदर छोटे छोटे जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूं फिर वो डाल लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे अपवर्तन के उदाहरण पर आधारित न्यूमेरिकल, और फिर बीच में कोई और भी आ जाए तो लेते चलेंगे, पर एनसीईआरटी में तो उसी क्रम से चलना पड़ेगा। तो पहले आ जाओ सब, एनसीईआरटी की बात कर लें। एनसीईआरटी का तीसरा न्यूमेरिकल है ना, तो उसमें तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं तो आप समझ ही जाते होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपके सिलेबस की है इसी। कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है तो वास्तविक गहराई तो 12.5 सेंटीमीटर है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई कि आभासी गहराई 9.4 मापी गई है। अब बात को समझना, पहले मैं वास्तविक गहराई लिख लूं, तो वास्तविक गहराई ये तो 12.5 सेंटीमीटर है और आभासी गहराई, आभासी गहराई ये अपने को जो दे रहा है 9.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब अब ये माइक्रोस्कोप से देख रहा है, यूं समझे आप, ये जो देख रहा है ये माइक्रोस्कोप से, ये वास्तविक गहराई तो लिख दी मैंने 12.5 सेंटीमीटर, जल से भरा पात्र है ना, वस्तु इससे दिखाई दे रही है, यहां पर इस जगह इसने यूं समझे माइक्रोस्कोप ये कह रहा है ना सूक्ष्मदर्शी, तो इसको माइक्रोस्कोप कह दूं, ये फोकसित कर रखा है और ये दिखा रहा है इसको सुई कहां पर 9.4 सेंटीमीटर पर, ठीक है। जब जल का अपवर्तनांक क्या है पहले तो ये बताओ साहब, दो क्वेश्चन है इसका मतलब है ना, जल का अपवर्तनांक तो n बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई है ना, आभासी गहराई, क्लियर। ये अपने पास फॉर्मूला इसी, सिचुएशन अपने को पता ही सी, क्योंकि आप सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल से देख रहे हो, सघन में स्थित वस्तु को विरल से देख रहे हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 12.5 9.4। अब देखो इसको राउंड अबाउट में बता सकता हूं मैं तो 94, तो एक बार तो गया ही गया है ना, अब कितना बचा 31 है ना, इधर कोशिश कर लेता हूं मैं, पॉइंट लगा दिया,
नोतिया 27, तीन भी बैठ गया अपने से, 270 तो ये और 12 एक, यानी 282 घटा देता हूं 8, 2 अपने पास बचता 28, फिर एक जीरो ले लें अपन, तो नोतिया 27 और मान लो आप। ये सब इसके पहले क्वेश्चन का आंसर, जो भी पदार्थ है उसका अपवर्तनांक निकाल लो, जल है तो जल का मान लो, जो भी है। अब ये क्या कह रहा है, बीकर में उसी ऊंचाई तक जल था, है ना, जल भरा हुआ था, ये जल उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव को भर दें। यानी अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई आप 1.63 अपवर्तनांक वाले किसी अन्य द्रव को भर दीजिए, जल हटा लीजिए, है ना। अब ये कह रहा है अन्य द्रव से प्रतिस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए, यानी पुनः देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर ले जाना होगा, है ना, ऊपर या नीचे, है ना। तो सब पहले आभासी गहराई ज्ञात करें, फिर बताएंगे क्या जानना चाहता है। तो अब अपवर्तनांक नहीं पूछ रहा, एक तरह से आभासी गहराई पूछ रहा है, तो पहले आभासी गहराई बताओ इससे, है ना। तो सब वास्तविक गहराई तो 12.5 ही रहेगी, आभासी गहराई और ये 1.63 फॉर्मूला ऊपर लिख ही रहा है, इससे कैसा कर दिया, इसलिए आभासी गहराई इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 1.63। अब देखो रफली कोशिश तो करेंगे इसको भी, है ना, यानी आंसर तो देंगे अपन, है ना, कोशिश करते हैं। यानी आभासी गहराई इज इक्वल टू, दशमलव वगैरह हटा दें, 1250 और ये रहा 163, है ना। अब देखो 9 बार तो जाता है ना, 9 बार देंगे तो 9 × 27 2, है ना। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही करके अपन देख लेते हैं, एक मिनट इसमें देख लेता हूं कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर किधर है भाई, कैलकुलेटर नहीं दिख रहा सब मुझे, जबकि कैलकुलेटर तो अपन जानते हैं सभी जगह टूल्स, टूल्स में आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। तो अपन इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 1250 डिवाइडेड बाई 163, है ना, ये 7.6 अराउंड आ रहा है ना, 7. एक बार और देख लेता हूं मैं, 12.5 डिवाइडेड बाई 1.63, 7.66, है ना। तो 7.66 को अपन 7.6 लिख दें लगभग, है ना। तो ये आ गया साहब 7.6 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, अब इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाओ,
इसका क्वेश्चन क्या है, है ना? क्वेश्चन अपन कहाँ गया, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। यस, एक मिनट साहब, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसका ये है, सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना पड़ेगा। तो अब देखो ये सुई कहां पर है, 7.6 सेंटीमीटर यहां पर है। अब इसने फोकसित तो कर ही रखा है, इसको सूक्ष्मदर्शी इतना ऊपर ले जाना पड़ेगा, है ना? तो सब ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसने 9.4 पे उसको देखता है, तो इसको भी 9.4 बनाना पड़ेगा, तो वो ऊपर उठाएगा। अब कितना ऊपर उठाएगा, तो साहब सूक्ष्मदर्शी ऊपर उठाया जाएगा कितना, 9.4 माइनस 7.6 कितना हो साहब, ये 14 में से 6 गया तो 8 है ना, 1.8 सेंटीमीटर सूक्ष्मदर्शी को ऊपर उठाना पड़ेगा। ये साहब 1.8 सेंटीमीटर उठा लेगा तो वापिस दूरी यहां से वही 9.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, वो फोकसित कर ही रखा था, उससे तो साफ दिख जाएगी सुई, तो 1.8 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ इससे उठाना पड़ेगा। ये साहब क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 भी है। इसको मैं देखो आइडिया बता देता हूं, इसमें एक एंगल के कारण इसको पूरी तरह से कर पाना पॉसिबल नहीं है। एक मिनट में देखा, साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करता हूं, है ना? तो इससे इसमें एक एंगल ऐसा दे रखा है 47 डिग्री, तो वो 47 डिग्री की वजह से ये थोड़ा सा क्या नाम से कहीं अपने को दिक्कत दे सकता है। मैं अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर मंगवा के और फिर देखता हूं, है ना? ये क्वेश्चन नंबर है 4, क्लियर? इसने अपने को 3 चित्र दे रखे हैं, तो या तो मैं पहले इसके चित्र बना दूं, है ना? चित्र तो अब साधारण से बन जाते हैं, या साधारण से बना देता हूं, है ना? ये इस तरह से इसने अपने को 3 चित्र बना के दे रखे हैं, है ना? यहां कांच, पानी, ऐसे जो लिख रहा है वैसे वैसे यहां लिख रखा है इसने वायु, जल, है ना? यहां लिख रखा है इसने कांच, जल, ठीक है? तो एक मिनट, वो लाया नहीं, है ना? तो साहब ये अपन ने इसमें मोबाइल रखा मेरा, है ना? तो ये क्या नाम से 3 चित्र दे रखे। अब ये किरण जिस हिसाब से दे रखी है वैसा को वैसा लिख रहा हूं मैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर मंगवा लिया मैंने, मेरे मोबाइल में होगा। ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री, ठीक, ये 35 डिग्री, ठीक है सर? दिशा भी बाकायदा बता रहा हूं मैं आपको, ये सब 60 डिग्री और ये इसने दे रखा 47 डिग्री,
ये आ रही है सब वायु से जल में, और यहां पर किरण की जो डायरेक्शन है वही मैं बता रहा हूं, वही कोण लिख रहा हूं, जो फिर क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं है मैंने ना, ये 45 डिग्री और ये एक मिनट, यहां क्वेश्चन मार्क लगा रखा है इसने, एक्स बोल दे अपन, मतलब ये तो 100% फिक्स हो गया कि वो तो पूछेगा ही पूछेगा, तो ये एक्स बोल दिया मैंने इसको, आर बोल देंगे, आर बोल दें, आर बोलना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एंगल है ना, तो इसको अपन आर बोल देते हैं। मेरा ख्याल है क्वेश्चन पढ़ने की अब जरूरत सी नहीं दिख रही मुझे, है ना, फिर भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। ए बी में आपतित किरण दर्शाए गए, इस चित्र को ए बोल रहा है ये, इस चित्र को बी बोल रहा है और इसको सी बोल रहा है। तो कह रहा है आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया जो वायु में क्रमशः कांच वायु, जल वायु, अंतःपृष्ठ के अभिलंब 60 डिग्री का कोण में आती है, उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जो जल में जल कांच अंतरापृष्ठ के अभिलंब 45 डिग्री का कोण बनाती। मैंने कहा था ले देकर क्वेश्चन वही होगा, अब मैंने देखो मोबाइल मंगा लिया तो इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैं करता हूं, देखो है ना, पहले अपन सबसे पहले यहां आए, स्नेल का नियम लगाएंगे 1 2 3 है ना, स्नेल का नियम क्या है, अब डायरेक्ट लिख दूं ना एक जगह, तो नियम लिख देता हूं ताकि फिर साइन आई अपॉन साइन आर और अपवर्तनांक, तो फिर अपन अब देखेंगे क्या सिचुएशन रहती है ना, या पानी से अपन कहां जा रहे हैं, कांच में, तो देखो आपतन कोण बोलो 60 डिग्री, अपवर्तन कोण बोलो 35 डिग्री, कहां से कहां जा रहे हो, पानी से कांच, वाटर टू ग्लास है, यही था सब, वाटर सॉरी एयर टू ग्लास है ये, देखो गड़बड़ हो जाती, छोटी सी चीज, अभी ये एयर है साहब, एक मिनट, वायु वायु, अरे यार ये टाइम लेती चीजें पर क्या करें, ये वायु है, एक बार और चेक कर लो साहब, है ना, अभी वो तो सही कर दूंगा, वायु कांच, वायु जल ठीक है, और कांच जल ठीक है ना, अब नहीं है मेरा ख्याल है दिक्कत, चलो तो इसको अपन लिख लें, इसको सही कर दें, हाँ साहब अब आ जाओ कंसंट्रेट हो जाए, कहां से कहां जा रही है, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, तो यहां से तो आ जाएगा साहब एन एयर टू ग्लास, साइन 60 तो आ गया रूट 3/2, अब मैंने कहा 35 नहीं है, तो जो अपने पास नहीं है वो अपन निकालते हैं, मेरे पास इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इससे सोच सकता हूं मैं 35 ऑफ साइन, ये 0.57 बता रहा है ये, है ना, तो इसे 60 भी ऐसे निकाल लूं ना, तो साहब ऐसे निकालना 60 साइन 0.866 है ना, ये इसको कह रहा है, इसमें डायरेक्ट निकाल देते हैं, जब अपन कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो फिर नाटक भी क्यों करें, डायरेक्ट ही करें 0.866, 35 की बात करें 0.573, डिवीजन कर लें इनका, तो 0.866 डिवाइडेड बाय 0.573, ये 1.5 ही आ गया है, चलो सब अब सेकंड पे जाओ, है ना, सेकंड पे लगा दो वही, ये वायु से जल में आ रहा है,
आपतन कोण बताओ वही 60 डिग्री, अपवर्तन कोण बताओ 47 डिग्री। कहां से आ रही किरण? हवा से। कहां पर? जल में, है ना? तो एन एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर है ना, जल में आ रही ना, एयर टू वाटर। चलो सब एयर टू वाटर, यानी एन एयर टू वाटर साइन 60, साइन 60 तो यही लिख दो, 0.866, 47 की वैल्यू निकालनी है अपने को ना, 47, तो 47 साइन, ये 0.731 आ रहा है, 0.731, 0.866 डिवाइडेड बाई 0.731, सॉरी 0.866 डिवाइडेड बाय 0.731, 1.18 है ना। एक मिनट देख लें, वैसे आना तो ये 1.33 अराउंड चाहिए था ना, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही एक बार ढंग से, क्योंकि एयर है ना, एयर में 60-47 ही है, 60-47 एयर टू वाटर ही है। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, तो 60 ऑफ साइन, ये तो 0.66 ही आना था, 47 ऑफ साइन 0.731 ही आ रहा है साहब ये, ठीक है। तो दोबारा 0.866 डिवाइडेड बाय 0.731, ये आया 1.18। अब 1.18 ही लिखना पड़ेगा साहब, 2 भी नहीं लिख सकते, एक बार तो 180 लिखते हैं। चलो अब ये अब पूछ रहा है R, तो सीधी सी बात है, ये तो आपका आपतन कोण हो गया और ये आपका अपवर्तन हो गया। ये आपको दिख रहा है किरण कहां से कहां जा रही है? जल से वाटर टू ग्लास, है ना, यानी साइन 45 को तो रख दूंगा मैं भी, पहले उसको सही करके दिखा दूं आपको। वाटर टू ग्लास से, तो इसको कर दो वाटर टू एयर इनटू एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास अपने पास है ही सही, ये रहा एयर टू वाटर है ना। तो सब ऐसा करूं मैं, साइन 45 साइन आर एयर टू ग्लास, और इसको नीचे ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एयर टू वाटर, इसको नीचे ले आया मैं, नीचे लाती है मेरे पास अब दोनों हैं। एयर टू ग्लास कितना है साहब? एयर टू ग्लास है 1.5, एयर टू वाटर है 1.18। इसको मैं डिवीजन कर ही लेता हूं, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.18, ये 1.27 आ रहा है, 1.27। अब बस इतनी सी जगह चाहिए मेरे को, यहां मैं कर देता हूं इस जगह पे, ये इधर ही ले लेता हूं ना, ये तो स्नेल का नियम है, तो इसको तो अब हटाते हैं अपन, इसको तो अपन समझ गए, इसका तो यूज कर ही लिया, थोड़ा पेन भी चेंज कर लें। तो साहब इसलिए साइन आर किसके बराबर है? 45 का तो 1/√2, अपन जानते 0.707 होता, तो 45 का 0.707 है ना, तो साइन आर 45 को लिख देता हूं मैं 0.707, समझ गए आप, ये साइन, और अपॉन 1.27 देख लो एक बार, ये साइन आर को उधर से, साइन 45 की वैल्यू 0.707 और 1.27, तो सब 0.707 डिवाइडेड बाय 1.27, ये आ गया 0.556,
यानी आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.556 है ना। अब इसका ले लेते हैं अपन एंड इनवर्स ले लें। अब देखो शिफ्ट कर रहे हैं और साइन इनवर्स ले रहे हैं 33.8, आर बराबर आएगा 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड। पुष्टि भी हो जाती है। देखो सघन से किधर जा रहे हैं, जल से, एक मिनट ज्यादा आना चाहिए ना, फिर तो एक मिनट ये क्या हुआ, आप सघन से विरल में जा रहे हो, सघन से विरल में जा रहे हो तो अभिलंब से दूर हटेगी। एक मिनट चक्कर क्या हुआ, 33.8 जल विरल है, सॉरी है ना, गलती होगी, ये विरल है और ये सघन है, मैं उल्टा बोल गया था। तो विरल से सघन में जा रहे हो तो अभिलंब की ओर झुकेगी, आंसर की पुष्टि होगी, है ना। तो पहले मैं जो बोल रहा था, मैं बोल रहा था सघन से, मैं जल को समझ रहा था, मतलब अचानक मेरे दिमाग में जल सघन की तरह लगा मुझे, जबकि जल और कांच में जल विरल है और कांच सघन है, तो विरल से किरण अगर सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ऐसे सवाल आते तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अब अपने को तो जैसे सीखना होता है ना, मैं भी जानता हूं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अब सीखना है तो हर हद तक करो, ये भी कहां तक अपने को, हालांकि इस टाइप के सवाल देने नहीं चाहिए किताब में, लेकिन वाह अब अपन तो कर रहे हैं तो कर ही लेंगे, समझ में आ गई बात है ना। कहां तक छोड़ेंगे अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन, हर हद तक करने की सोच रहे हैं, फिर वो बात अलग है। अब जैसे बहुत ही ज्यादा टाइम कोई कंज्यूम करेगा तो बात अलग, नहीं तो अब कैलकुलेशन वगैरह तो हो जाएगी। ये एनसीईआरटी में लास्ट है, अभी तक के पढ़े गए में, अभी तक जो अपन पढ़ते जा रहे हैं ना वो करते जा रहे हैं। किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़, अब जैसे ये करा है मैंने, सॉरी ये जो मैंने क्वेश्चन करा है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो आप, ठीक है। आपका स्नेल का नियम भी बड़ा कंफर्म सा हो जाता है, आपको कैसे लगाना है एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, तो वो भी एक सवाल में सीखने को मिल रहा है अपने को ना। तो अब टाइम कंज्यूम हुआ मानता हूँ, लेकिन अब सीखने को तो मिला ही है। ये कह रहा है किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी, मेज पर जड़ रही है कोई एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। आप कितनी ऊंचाई से देखो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। 15 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व आंख के बीच रखकर, तो वास्तविक गहराई तो उसकी माध्यम में कितनी, 15 सेंटीमीटर हुई। तो साहब मैं तो माध्यम के हिसाब से देखूंगा, अभी आपको समझा भी दूंगा। वास्तविक गहराई है ना, तो इसकी वास्तविक गहराई तो कितनी मानी जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जब अब ये कह रहा है इसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र में से कितनी दूर पर दिखाई देगा, कांच का पर्तना 1.5 सेंटीमीटर है। कांच का पर्तना किसने दे दिया, 1.5 सेंटीमीटर है। अब इसके क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर, ठीक है मेज होती है अपने घर में, उस पर एक छोटी पिन कील मान लो को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है, ठीक है देखो कहीं से भी उससे अपने को मतलब नहीं है, है ना, देखा जाता है 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटका। अब कोई 15 सेंटीमीटर मोटा आयताकार कांच का गुटका है, ठीक है, को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच, पिन
और नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर, वहीं से देख रहे हो आप जहां से पहले देख रहे हो, पिन नेत्र से कितनी दूर दिखाई देगा, कांच का अपवर्तनांक 1.6 सेंटीमीटर है। अब ये ऐसे कह रहा है ना कि कितनी दूर दिखाई देगा। अब स्वाभाविक है अपन पहले यूं निकालें कि पिन कितनी उठी हुई दिखाई देगी, आभासी गहराई देखे ना, तो आभासी गहराई निकाल दो और ज्यादा चक्कर में तो पड़ना। तो सब क्योंकि n इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, फॉर्मूला इसलिए वही काम में ले रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी भी वस्तु सघन माध्यम में ही उपस्थित है। यानी इसका मतलब आभासी गहराई किसके बराबर होगी साहब, वास्तविक गहराई है ना अपॉन अपवर्तनांक, मतलब 1.5। तो साहब ये कितना आया, 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर आपको ऊपर, मतलब है तो 15 सेंटीमीटर पे ओरिजिनल, तो पर इसका प्रतिबिंब आपको कहां दिख रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर उठी हुई दिखाई देगी। इसका यही जवाब होगा कि साहब ये 5 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी और तो कुछ है ही नहीं। यानी अगर ऐसे देखें आप तो आप 50 सेंटीमीटर से देख रहे थे पहले जब कांच की स्लाइड नहीं थी, अब कांच की सिल्ली है तो ये 45 सेंटीमीटर पे दिखी क्योंकि 5 सेंटीमीटर उठ गई। तो पहले 50 सेंटीमीटर पे देख रहे थे, 5 सेंटीमीटर उठ चुकने के कारण अब आपको ये आपके नेत्र से 45 सेंटीमीटर पे दिखेगी। तंत्र की बात तो ये है कि साहब 5 सेंटीमीटर उठिए, ये वास्तविक गहराई है या आभासी गहराई है, तो 5 सेंटीमीटर उठ गई। अब साहब छोटे छोटे क्वेश्चन का दौर चला देते हैं, ये तो एनसीईआरटी खत्म है ना। अब एनसीईआरटी खत्म तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके लिए तैयार कर रखे हैं है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन में अपने को जो करने हैं वो मैं सब पहले से कह सब लिख लेता हूं कि कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो है ना, ये अब छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन में पढ़ के सुनाई देता हूं मैं आपको। किसी कांच का अपवर्तनांक 1.5 है ना, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम में, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, एयर में लिख दूं कितनी, 6000 एंगस्ट्रॉम है ना। अब ये कहता है इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कांच में होगी, कांच में इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी आपको बताना है। तो सब क्योंकि सी एयर अपॉन सी ग्लास इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास इज इक्वल टू एन एयर टू ग्लास, और एयर टू ग्लास आपको दे ही रखा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा है ना। आपसे ग्लास में पूछिए तो ये आंसर आ गया साहब, ग्लास में तरंग दे रही कितनी, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा एयर तो कितना बता रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये आपका 1.5, चार बार कटता है तो आंसर आ गया आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। छोटे छोटे क्वेश्चन है साहब,
ये भी अपने को यही दे रहा आंसर 4000 एंगस्ट्रॉम। तरंग देरे वाला अपन ने लिया भी नहीं था ये, इसमें सब जब क्वेश्चन कराता हूं ना मैं, तो बीच बीच में आपकी सामने स्क्रीन पे से हटूंगा, क्योंकि ये सारा इंजाम मैंने एक टेबल पे कर रखा है जमा जमू के, है ना। क्वेश्चन लेना होता है मुझे, कौन सा नंबर है वो पहले से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट, किसी पदार्थ में प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति को एन से लिख दें, आवृत्ति एन से नहीं लिखे नहीं तो चक्कर पड़ जाए। यहाँ पे आवृत्ति अपन ने अपवर्णांक भी बोल रखा ना, वैसे तो लिख सकते थे खेर, लेकिन वाह एफ से लिख देता हूं, न्यू से भी लिख सकते हैं, चलो वाह न्यू से ही लिखे यार, यहाँ प्रकाश में न्यू से चल जाएगा काम, चलो न्यू से आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू 4×10^14 Hz। अब आप सिंबल पे मत जाना, आप तो उसके बेसिक बात पे चलना। वेवलेंथ पदार्थ में प्रकाश की आवृत्ति है और तरंग देरे लैम्डा, ये इसने बता रखा 5×10^-7 m है, ठीक है। पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, है ना, पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है। चलो सब, तो अपवर्तनांक बताने के लिए अपने को माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल लेनी चाहिए, तो सब सी मीडियम न्यू लैम्डा, उस माध्यम में दे ही रखा आवृत्ति हो रही है, ये सब न्यू की वैल्यू 4×10^14 लैम्डा यानी 5×10^-7, ठीक है। तो सी मीडियम, सी मीडियम 4×20×10^+7 यानी 2×10^8 m/s। ये मीडियम में, यार जूते में किसे तार लग जाए, है ना, ये मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, आता है। अब अपवर्तनांक आ जाओ, तो अपवर्तनांक क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। चलो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो हवा में प्रकाश की चाल तो अपन जानते 3×10^8 और माध्यम जो इसने दिया 10^8 तो कट ही गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कितना है 1.5। शॉर्ट स्वीट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट देखता हूँ बड़ा है कि छोटा है। ये क्वेश्चन तो दमदार है, अगले पेज पे ही लेके जाए, चलो कोशिश करते हैं, देखा अगले पेज पे ले जाए, क्या पता थोड़ा थोड़ा सा उलझने वाला लग रहा है क्वेश्चन, है ना, कोशिश कर रहे हैं सब क्वेश्चन को समझने की। ये कहता है 21 cm ऊंचे बर्तन में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाए, बर्तन की ऊंचाई 21 cm है, पानी आपको भरना है, किस ऊंचाई तक पानी भरा जाए कि बर्तन ऊपर से देखने पर आधा भरा प्रतीत हो, आधा भरा हुआ आपको लगे, जबकि अपवर्तनांक 4/3 है। चलो सब देखो, इसने ऐसे कहा है एन एयर टू वाटर, मतलब एन वाटर ये सीधा सीधा है ना, 4/3, 21 cm ऊंचा पात्र है। चलो देखो करते हैं अपन, है ना, 21 cm ऊंचा पात्र है, 21 cm ऊंचा पात्र हुआ साहब,
देखते हैं ना, नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे। अब इसमें आपने पानी भरना है, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊंचे पात्र में कितना पानी भरा जाए, किस ऊंचाई तक, कि बर्तन ऊपर से देखने पर आधा भरा प्रतीत हो। तो सब मान लीजिए एक ऊंचाई तक पानी भरने पर बर्तन आधा भरा प्रतीत होता है। चलो सब ये आपने एक ऊंचाई तक आप पानी भर देते हो, है ना, तो बर्तन आधा भरा दिखाई देता है। तो सब आभासी गहराई तो आपकी 100 होगी और ये वास्तविक होगी 21 माइनस एक्स। एक बार और सब मैं इसको समझाने की या समझने की कोशिश करता हूं, है ना। मैं इसको एक मिनट सब, है ना, मैं इसकी बात को थोड़ा सा और अपग्रेड करूं कि कुछ कहना कैसे चाह रहा है, कहने का स्टाइल इसका थोड़ा सा, है ना, वो आभासी गहराई तो 21 माइनस एक्स होगी, आपको इतना दिखाई दे, वास्तविक गहराई इसकी एक्स है, ठीक है, समझ में आ गई मेरे बात। आभासी गहराई 21 माइनस एक्स, वास्तविक गहराई इसकी एक्स, ठीक है। अब ऐसे समझो साहब कि एक्स गहराई तक हमने इसको भरा, ये एक्स ऊंचाई तक भरा तो ये आधा दिखाई देगा। अब ये तो है इसकी वास्तविक गहराई और ये आपको जो दिखने दिखेगी वो है इसकी आभासी गहराई, क्योंकि आपने यही मान के लिखा है कि सब आधा भरा दिखाई दे, तो आपने कहा एक्स तक भरते हैं तो हमें इतना दिखता है। तो सब वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई इज इक्वल टू अपवर्तनांक 4/3, यानी 3x इज इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 4x, यानी 7x इज इक्वल टू 84, है ना। x बराबर हुआ साहब 84 अपॉन 7, यानी 1 एक उधर जाता है 2, तो साहब ये कितना भरा होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर। आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, कि आंसर क्या बोलता है, इसका आंसर 12 सेंटीमीटर ही बोलता है सर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा, अब ठीक है, ज्यादा अपन ने कोशिश कर ली, ज्यादा प्रेशर लेने से भी कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2 है, ठीक है, 2 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल सेंटीमीटर पर सेकंड में बताओ, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बतानी और बतानी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है सर। तो एन एयर टू डायमंड लिख दो और क्या, है ना भाई, निरपेक्ष ही बताया ना अपने को, तो निरपेक्ष किसके सापे हो, एयर के सर, इज इक्वल टू सी एयर अपॉन सी डायमंड, डायमंड में पूछ रहा है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड सी एयर अपॉन, ठीक है सर, सी एयर
अब ये इससे तो अपन मीटर में लिखते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर लिखते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख दूं 10⁰, और ये अपने को दे रखा है 2। ये ध्यान रखें आप सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखिए, मैंने स्पीड है ना, ये इससे कैंसिल हो जाता है तो 1.5 × 10⁰ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर आना चाहिए इसका। इसका आंसर यही आ रहा है, सब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, छोटा हो तो क्या पता यही आ जाए। ठीक, ये कह रहा 8 मीटर गहराई का एक आयताकार टैंक है, 8 मीटर तो इसकी वास्तविक गहराई होगी, अपवर्तनांक यानी पानी का अपवर्तनांक तो 4/3 होता है, दे भी रहा है, पूरी तरह से भरा है, इसकी तली की गहराई कितनी दिखेगी, आभासी गहराई है ना, आ जाएगा सब। तो 8 मीटर गहरा तो वास्तविक गहराई 8, आभासी गहराई को x लिख देता हूं, और ये 4/3, तो आंसर डायरेक्ट आ गया x बराबर कितना, 8 × 24/4, तो आंसर आना चाहिए 6 मीटर है ना, सेंटीमीटर नहीं है साहब, मीटर में था ना, तो इसका आंसर 6 मीटर आना चाहिए। अब एक बार आंसर देख लें कि आंसर इसका क्या है, 6 मीटर ये सब है ना, तो आंसर में कोई वेरिएशन नहीं है। चलो चलते जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन सब लेते जा रहे हैं अपन। ऑप्टिक्स में कोई भी अपन ने ऐसा नहीं किया कि कोई प्रयास अपना छूट रहा हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलो ये तो ऐसा सिंपल सा ही यही कर लेते हैं, है ना, स्पेस है अपने पास। ये कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल सी है तो 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सी है ना, ये सी है, तो जिस माध्यम में 1.5 अपवर्तनांक वहां बताओ, तो साहब ये 1.5 लिख दो, ये सी और ये सी एम, तो आंसर इसका दे रखा होगा इसने, सी एम इज इक्वल टू सी अपॉन 1.5। ये आंसर देने की वजह से थोड़ा सा मैंने इसको लिखा, हाँ सी अपॉन 1.5, तो इसका आंसर देने का इसका तरीका थोड़ा सा इस टाइप का था, इससे इसको मैंने लिख लिया, क्या आपको करा देंगे। अब आ जाएं सब, नेक्स्ट कौन सा है, चलो फ्रीक्वेंसी वाला है ना, कोशिश कर रहे हैं अपन के इस एपिसोड में ही निवृत्त हो जाए, नहीं होंगे तो 2-4 न्यूमेरिकल फिर देखेंगे। ये आगे सब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट की गड़बड़ कैसे हो रही है, चलो ठीक है, चलिए सही चल रहा है ना, गड़बड़ नहीं हो रही, मैंने क्या क्वेश्चन लिख रखे हैं तो उसमें क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कहीं गड़बड़ हो रही है। ये कह रहा 5 × 10⁴ हर्ज फ्रीक्वेंसी का एक वर्णीय प्रकाश किरण निर्वात में चलकर 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में इसकी तरंग देरे बताओ। तो फ्रीक्वेंसी तो इसने बता दी 5 × 10⁴ हर्ज, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसने बता दिया 1.5। अभी कह रहा मीडियम में आपको वेवलेंथ बतानी है इसकी, है ना, चलो कर देते हैं वेवलेंथ। तो एन है अपने पास, फ्रीक्वेंसी किसमें दे रखी है इसने अपने को, किरण प्रकाश निर्वात में, है ना, फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में दे रखी है अपने को, तो वैक्यूम में लैम्डा निकाल लें अपन पहले, क्योंकि अपने को लैम्डा
मीडियम में निकालने का कह रहा है ये शायद, है ना। तो सब पहले बिकॉज सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो सी एयर देन लैम्डा एयर, एयर में कितना है सब, सी एयर अपॉन न्यू, तो सब लैम्डा एयर। ये तो आपका 3×10⁸ हो गया और ये 5×10⁴, 30 ले लें इधर, 6×130 ले लिया, तो इधर 10⁷, ये -7 हो गया और इसको लिखते हैं अपन 6000 एंगस्ट्रॉम। अब सवाल कर लो तो सब, क्योंकि n बराबर सी एयर अपॉन सी मीडियम, यानी लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, क्योंकि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो सब इसलिए लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन n, कर चुके साहब ये एक बार आ चुका। चलो खैर अब कर लिया तो ये 1.5, तो आंसर आ गया इसका 4000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा कर लिया था अपन ने। चलो कोई बात नहीं है ना, अब आ जाओ सब नेक्स्ट पर। सूर्य के प्रकाश को 5 मिमी मोटे कांच को पार करने में लगा समय बताइए। हाँ ये सब नवीनता आनी चाहिए थोड़ी क्वेश्चंस में, है ना। वैसे अपन ने बहुत कर ली। ये कह रहा है सूर्य के प्रकाश को 5 मिमी मोटे, तो डिस्टेंस तो अपन समझ गए 5 मिमी, मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसने ग्लास का दे रखा, एंड एयर टू ग्लास 3/2, है ना। अभी कह रहा है सूर्य के प्रकाश को 5 मिमी मोटे कांच को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब सब पहले अपन कांच में प्रकाश की चाल निकाल लें, तो क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल सी एयर अपॉन सी ग्लास, तो सी ग्लास इज इक्वल टू सी एयर एन एयर टू ग्लास, ये हो गया एयर में तो अपन जानते ही हैं, और ये 1.3/2, तो ये सब ग्लास में प्रकाश की चाल आ गई। अब तो सिंपल है क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, हमसे समय पूछ रहा है इसलिए समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 5 मिमी, 10⁻³, चाल कितनी है 2×10⁸, तो ये हो गया 2.5 और 10⁻¹, है ना। अगर आप 10 में लिखना चाहते हो तो 0.25×10⁻¹ सेकेंड, ये सेकेंड है, ठीक है ना। तो इतना समय लगेगा, चेक कर लेता हूं मैं भी, है ना। ये सब इसका आंसर कितना, यस 0.25×10⁻¹ सेकेंड, बिल्कुल सही आंसर है सब। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। किसी द्रव की तली में एक निशान 0.1 मीटर ऊपर दिखाई देता है, द्रव की गहराई 1 मीटर, तो अपवर्तनांक खटाखट छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। वैसे ये कह रहा है एन, अब वास्तविक गहराई तो बता रहा है 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। अभी आभासी गहराई को थोड़ा सा टेक्निक से बता रहा है, ये कह रहा है कि सब 0.1 मीटर ऊपर उठा हुआ दिखता है, मतलब 10 सेंटीमीटर ऊपर दिखता है, तो आभासी गहराई कितनी हुई 90 सेंटीमीटर होगी ना भाई साहब,
समझ गया। वैसे वो कहा सॉरी, किसी द्रव की तली में एक निशान 0.1 मीटर ऊपर दिखता है, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर ऊपर दिखता है, जबकि वास्तविक गहराई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर ऊपर दिखता है तो आभासी गहराई कितनी, 90। तो इसका आंसर तो सब यही आ गया एक ही लाइन में। अपवर्तनांक कितना होगा, 10/9 आंसर देगा। बिल्कुल सही आ गया सब, आंसर यही है। चलो अब लास्ट में ही चल रहे हैं लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक, ये अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल है ना। तो ये कह रहा है, एक मिनट, एक सवाल हो रहा है उसने, देख रहा हूं है ना। किसी द्रव को गर्म करने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, यस घटता ही है। और ऑप्शन भी पढ़े, घटना या बढ़ना गर्म करने की दर पर निर्भर करता, नहीं, ताप बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा, नहीं बदलता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपवर्तनांक ताप पे डिपेंड करता है, बढ़ता है ताप के संगत अपवर्तनांक बढ़ता नहीं है। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन और बता रहा है ये, है ना। इसमें क्या है, पेज नंबर वाइज लिखते हैं ना अपन, तो अपने को बड़ी तकलीफ होती है देखने। हालांकि अब ये भी कोई खास तो नहीं है, चलो ले लो बस लास्ट, है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये कहता है, झील में 12 सेंटीमीटर की गहराई पर एक मछली को किनारे पर खड़ा व्यक्ति देखता है, मछली का प्रतिबिंब वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगा। आभासी गहराई पूछ रहा है, तो साहब n इज इक्वल n दे रखा है इसने, वास्तविक गहराई तो 12 सेंटीमीटर है, आभासी गहराई चाहता है ये, n का मान इसने दे रखा 4/3, 4/3 12x है ना। तो ये 3 यानी x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है ना। अब ये कह रहा है, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसने लिया इसको, इसका मतलब ये कह रहा है कितना ऊपर दिखाई देगा। तो 12 सेंटीमीटर पे था और ये 9 सेंटीमीटर पे दिखाई दे, तो कितना ऊपर दिखाई देगा, 3 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका पूछे कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, तो सब 12 सेंटीमीटर तो था, अब ये 9 सेंटीमीटर आभासी गिराई तो कितना सेंटीमीटर ऊपर उठा, 3 सेंटीमीटर, इसने इसको मैंने डाल लिया। तो सब कहने का मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो जो भी पॉसिबल थे वो मैंने आपको करवा दिए। ये अपवर्तनांक व अपवर्तन के उदाहरण आदि से संबंधित न्यूमेरिकल थे, है ना। अब साहब नया टॉपिक तो इस चैप्टर से तो या इस लेक्चर से तो अपन कर नहीं सकते, क्योंकि अपने पास टाइम ही अब अगर देखें तो 2-3 मिनट बचता है। तो साहब अब अपने को ये है कि नए लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट करना रहेगा। तो साहब बस आज इतना ही रखो, न्यूमेरिकल अच्छी संख्या में अपन ने कर लिए, ये बहुत अच्छा रहा है ना। ताकि क्या है, हाथ के हाथ जैसे न्यूमेरिकल होते जाएंगे तो अपना ऑप्टिक्स का कॉन्फिडेंस ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, अपन ने इसमें पहले एनसीईआरटी के कर लिए, फिर अदर कर लिए, तो कोशिश अपन इसी तरह की करना चाहते। बस आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।